तो ये दो टाइप के मंदी है, एक चिकन मंदी है और एक मटन मंदी है। इसके अंदर में भी कुछ दिख रहा है, जा सकते क्या? देखते एक बार जाके क्या है अंदर। गाइस अंदर तो पूरा अंधेरा है, मैं अपनी मोबाइल की टॉर्च चालू कर देता हूँ, लो बैटरी टॉर्च नहीं लग सकता। ओ शिट, तो फ्रेंड्स हमने अभी एक ब्रेक लिया बीच में, यहाँ पे हम लोग रुके अभी हत्ता हेरिटेज करके, ये जगह है कम्प्लीटली, ये एकदम ट्रेडिशनल टाइप है। आपको मैं एक व्यू दिखा देता हूँ, ये झोपड़ी बनाया है आर्टिफिशियल। चलो तो मैं और सुमित भाई थोड़ा विलेज के अंदर घूम के आते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी पुरानी इनकी चीज़ें हैं। और ये देख रहे हो आप, रोज़ बनाने का कुछ तो ये है उनका, वो टाइम का सिस्टम है। चलो देखते हैं आगे और क्या क्या है। चलो साउथ टावर की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पाम ट्री बी प्रोडक्ट, पता नहीं क्या है पाम ट्री बी प्रोडक्ट, बोले मधुमाशा से ले जाओ अस्तिल तरह अस्तिल। अबे सेंसर है? हाँ मुझे ओपन है पब्लिक साथी। ओह डेंजर सीन है, ये आप देख सकते हो सेंसर पर लाइट लगी हुई है। ये पेड़ ओरिजिनल है मगर ये जो लगा है खजूर, हाँ वो सब डुप्लीकेट, ये सब नकली। बाद इसका जूस निकलेगा और ये जो थोड़े छोटे छोटे कैनल्स बनाए तो ये कैनल से बह के यहाँ जो मेन जो पॉन्ड बनाया इन्होंने आर्टिफिशियल पॉन्ड में, इसका हनी जमा हो जाएगा। चलो मुंह करते हैं, काफी बढ़िया बनाया ये, दिन में काफी अच्छा दिखता होगा, रात में भी अच्छा ही दिख रहा है पर दिन में और मजा आएगा, थोड़ा शाम के टाइम पे आएगा तो और मजा आएगा। तो गाइज ये है हत्ता विलेज रेस्टोरेशन, पता नहीं क्या है पर जाके देखते हैं अंदर। रिस्टोरेशन टेक्निक्स, अच्छा तो यहाँ पे इन्होंने प्लान दिया हुआ है। ये क्या है पॉइंट? ये पॉइंट का नाम है विलेज रेस्टोरेशन। ये सब जो है ये बिफोर हत्ता रेस्टोरेशन के पहले कैसा दिखता था उसके बारे में बताया गया है। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ साउथ टावर पे, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है तो मैं भी टॉर्च चालू कर देता हूँ। तो ये है साउथ टावर जो लेफ्ट में दिख रहा है। ओहो क्या बढ़िया मून दिख रहा है यहाँ से। तो दम लग गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही हाइट पे। और फाइनली फ्रेंड्स तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से पूरा हत्ता हेरिटेज विलेज का व्यू आ रहा है। और ये हत्ता हेरिटेज विलेज इतने एरिया में फैला हुआ है, जो यहाँ दूर में जो लाइटिंग दिख रही है वहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ से अभी यहाँ पे आए। देखो सामने देख सकते दोनों भाई खड़े, वो लोग एक्चुअली डर के नहीं आए, मगर देखो आप लोग के लिए कुछ कंटेंट अच्छे से बनाना था इसलिए मैं देखो आपके लिए रिस्क लेके ऊपर आ चुका हूँ। तो कम से कम इस बात के लिए तो अभी ये वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ फ्रेंड्स जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये जो है ये साउथ टावर है, साउथ टावर, और बैक साइड से जो पूरा हत्ता डैम का व्यू है तो ये देखो ये कुछ ऐसे आ रहा है व्यू आप देख सकते हो। और जो मेरे बैक साइड में वो है नॉर्थ टावर, इसके अंदर में भी कुछ दिख रहा है, जा सकते क्या? देखते एक बार जाके क्या है अंदर।
गाइस अंदर तो पूरा अंधेरा है, मैं अपनी मोबाइल की टॉर्च चालू कर देता हूँ, लो बैटरी, टॉर्च नहीं लग सकता। चलो अभी मेरे को डर लग रहा है, यहाँ से अभी निकल लेते हैं। ओह शिट, बैटरी ओनली 2%। अभी मैं रिटर्न के लिए निकल जाता हूँ, संभाल के उतरना यहाँ से। रोड्स भी बहुत बढ़िया बनाए, एकदम जो पुराने ज़माने में जो पत्थर के होते थे वैसी टाइप के रोड यहाँ पे बनाए हुए इन्होंने अभी भी। चलो अब ये लोग वेटिंग करते रह के फटाफट निकल जाते हैं अभी इधर से। अभी हमारा घूम के तो हो गया है, हत्ता जाके आ गए अभी। अभी यहाँ पे मंदिर ट्राई करते और देखते कैसा मंदिर है। अलवरका में एक मंदिर रेस्टोरेंट है, शबाब अलवरका मंदिर रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। ऑर्डर आ गई है। चिकन मस्बी, मंदी, मटन मंदी का ही एक आइटम। अच्छा, तो ये दो टाइप के मंदी है, एक चिकन मंदी और एक मटन मंदी है। तो चलो आपको मंदी खाने का तरीका बताते हैं। ये पहले चिकन को साइड में रहने का, राइस को पूरा डाल देने का, ये क्या मतलब डाला? अल्टी पल्टी, अल्टी पल्टी राइस। ये है टोमेटो की चटनी, पल्टेश तुम इकडे नहीं ना, हाँ राइस सदे है जल रहा हूँ मैं, हाँ मैं क्या गरम रहेंगे ना, देख हाँ ठीक है चालू है। अभी दूसरा भी पल्टी मार दिए, आधा खत्म हुआ है, आधा बाकी है। तो फ्रेंड्स देखो क्या था और क्या हो गया, आप देख सकते हो। भाई हमने अभी मंदी पेड़ भर के खाया, शबाब अल वरका मंदी, बहुत बेस्ट मंदी है वरका में और अपने बॉम्बे वाले की है भाई। तो चलो फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहाँ पे ही खत्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए गुड बाय।